आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो एवरीवन द क्वेश्चन इज इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस देखो ये वाला ब्रैकेटेड पार्ट है हमें इसे इम्प्रूव करना है क्वेश्चन सेंटेंस पढ़ते हैं बट वट एवर एडवांटेज मे हैव एक्रूज टू दिस फॉर्मर प्रेजिडेंट वॉज लॉस्ट देखो अभी दो चीजें एक तो है फॉर्मर प्रेसिडेंट जब बात करते हैं ना फॉर्मर की तो फॉर्मर का मतलब क्या होता है जो पास का होता है पहले का होता है यू कैन राइट अर्लियर टाइम्स अर्लियर टाइम्स और समथिंग विच इज ऑफ पास लॉन्ग पास जस्ट है तो इसका मतलब जो हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब आएगी वो भी पास्ट में ही होनी चाहिए क्योंकि फॉर्मर प्रेजेंट पहले की बात कर रहे हैं ठीक है फॉर्मर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि जो भी एडवांटेजेस उसको former president को accrued हुए थे, वो lost हो गए हैं, ठीक है तो सेंटेंस किस में होना चाहिए टेंस में होना चाहिए जो ये वाला क्लॉज है बेसिकली वो पास्ट में होना चाहिए तो अगर मैं बोलूँ इज तो वो गलत हो जाएगा ठीक है हैड क्यों गलत होगा देखो वाज जो होता है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में आता है बी की सेकंड फॉर्म में आता है बी वाज और जो थर्ड फॉर्म होती है ना वो हैड या बीन होती है ठीक है हैड या जो बीन होती है वो थर्ड फॉर्म्स में आती हैं तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म नहीं आती विदाउट एनी ऑक्सिलरी वर्ब और समथिंग राइट या तो हैड बीन हो या कुछ हो राइट right? हार्ड वर्क वर्ब का काम करे और बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म का, का काम करे तब तो वी कैन से अगर हार्ड बीन होता तो सी हो सकता था बट अभी बीन नहीं है तो सी भी गलत होगा और जो गिवन है दैट इज वॉज वो भी गलत होगा उसका रीजन क्या होगा वो देखते हैं देखो एडवांटेजेस की बात हो रहे है एक नहीं है मैनी है ठीक है प्रूअल है जो हमारा सब्जेक्ट है वो है advantages है हैल नाउन है तो वर बी क्यों होनी चाहिए तो कौन सी होगी वर होगी यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन थैंक यू क्लास सिक्स से लेकर नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटा या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर